दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनिदेव मकर राशि में वक्री हो गए हैं, यानी उनकी उल्टी चाल शुरू हो गई है। मैं आपको बता दें कि इस राशि में 11 अक्टूबर तक वक्री चाल में रहेंगे। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से यह फल देते हैं। लेकिन वक्री अवस्था में शनिदेव आपको बता दें कि कमजोर हो जाते हैं और पूर्ण फल यह नहीं दे पाते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में हो तो सुख शांति धन दौलत के साथ साथ आपको आर्थिक संपन्नता भी तो आती है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में हो तो कई परेशानियों को यह दावत देते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इस वीडियोज़ के माध्यम से जानते हैं कि वक्री हुए शनि की शांति के लिए बेहद सरल उपाय के बारे में। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार शनिदेव कुल 141 दिनों के लिए वक्री रहने वाले हैं और इस दौरान जिन पर शनि की दशा महादशा शनि की 7.5 और 2.5 चल रही है उनको खासकर सावधान रहकर अपना कार्य करना चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त धनु मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चलने वाली है और मिथुन और तुला राशि पर शनि की 2.5 चल रही है। आपको बता दें कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, छाता, साबुत, उड़द दाल, लोहा, तिल, काले रंग के कपड़े, अन्न, दवा आदि आपको दान दे सकते हैं। वहीं अगर आपके आसपास शनिदेव का अगर मंदिर है तो वहां जाकर शनिदेव के दर्शन करें, मतलब तीर्थ दर्शन करें, सामने नहीं, और उनको सरसों के तेल से अभिषेक करें। ऐसा करने से शनिदेव सुफल देते हैं, इनकी शुभता में वृद्धि होती है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन खासकर हनुमान जी की आपको पूजा करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का आप पाठ कर सकते हैं। ध्यान रहे, हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान बिल्कुल नहीं करते, इनका पाठ करने से शनिदेव बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साथ ही हर रोज बड़े बुजुर्गों और काम करने वालों का आपको सम्मान करना चाहिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। आपको बता दें कि शनिवार के दिन लोहा या रबड़ से संबंधित चीजें आप बिल्कुल न खरीदें। आप चाहें तो शनिवार के दिन व्रत भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से शनि की दशा 7.5 महादशा अंतरदशा और 2.5 का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं आप शनिवार के दिन ही काले कौवे या फिर काले कुत्ते को अगर रोटी खिला दें तो ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप निश्चित रूप से अपने जन्म कुंडली में अगर नीलम रत्न भी अगर आपको बता रहा है या ज्योतिष से दिखा ले तो वह भी आपको लाभप्रद दे सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को नीलम रत्न नहीं धारण करना चाहिए। वहीं पे वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का आप पहले अवलोकन करा लें। हालांकि इस रत्न को पहनने से पहले आपको निश्चित रूप से राय मशविरा ले लेनी चाहिए। शनि के अशुभ परिणाम से बचने के लिए आप शनि देव का वैदिक मंत्र का आप जाप करा सकते हैं। ओम शं शन ओम शनो देवी रविस्तये आपो भवन्तु पीतये शनो रविश्रवन्तुनः ओम शं शनिश्चराय नमः ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र जो है, आप इन मंत्र का हर रोज प्रत्येक रोज अगर आप जप करते हैं तो शनि शुभ परिणाम देने लगते हैं और शनि की दशा महादशा और 2.5 से निश्चित रूप से 7.5 से भी
आपको नकारात्मक प्रभाव भी खत्म हो जाता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। शनिदेव के लिए आप शनिवार के दिन निश्चित रूप से संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस मंत्र से आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने जीवन को सरल उत्तम बनाएं। आप सब यहीं बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।